नमस्कार दोस्तों, एनसीईआरटी क्लास 9 क्लास 11th के एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस कर रहे हैं। हमको ना फर्स्ट 5 टर्म्स चाहिए इस सीक्वेंस का, और हमको nth टर्म दे रखा है 2n-3/6। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा जब n की जगह पे 1 रख देंगे, तो जहाँ जहाँ भी n है वहाँ वहाँ पे 1 रखने से हमारा काम चलेगा। जब सेकेंड टर्म चाहिए होगा तो जहाँ जहाँ पर n है वहाँ वहाँ पे 2 रखने से काम चलेगा। ठीक है, जब हमको थर्ड टर्म चाहिए होगा जहाँ जहाँ पर n है वहाँ पर 3 रखने से काम चलेगा। जब हमको फोर्थ टर्म चाहिए तो n की जगह पे 4th रखेंगे, और जब फिफ्थ टर्म चाहिए तो n की जगह पे 5 रख देंगे। ठीक है, अब बेसिकली हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास फर्स्ट 5 टर्म्स आ जाएंगे। जैसे 2 माइनस 3 बाई 6 मतलब -1/6। ऐसे यहाँ देखो 2 से मल्टीप्लाई होगा, 4 माइनस 3 बाई 6, तो यहाँ से क्या हो गया 1/6। ऐसे यहाँ पे आप देखिए मल्टीप्लाई जब होगा 2 × 3 तो 6 माइनस 3/6, तो बेसिकली 3/6। और ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2 × 4 8 माइनस 3/6, तो बेसिकली क्या होगा 5/6। और जब ये 5 × 2 से मल्टीप्लाई होगा 10 माइनस 3/6, तो ये यहाँ से क्या हो जाएगा 7/6। ठीक है, यहाँ से हो गया 7/6। तो बेसिकली हमारे पास जो 5 टर्म्स आई हैं वो किस तरह से हैं, -1/6, 1/6, 3/6, 5/6 और 7/6। इट इज़ अवर आंसर। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप यू एंजॉय अवर वीडियोज। इफ यू एंजॉय अवर वीडियोज देन प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स। वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्वेश्चन।